देश में बेरोजगारी की दर जो है वो बढ़ रही है, लेकिन सरकारें इस पर जो है संज्ञान नहीं ले रही है। यहाँ पर सीधा सवाल ये उठा कि कार देश का युवा कहाँ जाएगा, कैसे रोटी खाएगा, देश के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं सवाल निशान है, क्योंकि यही युवा है जिन पर भविष्य निर्भर करता है। आज नौकरियां नहीं है, जॉब नहीं है, और यहाँ पर सड़कों पर इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है और इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको नौकरी चाहिए, क्योंकि नौकरी के बिना जीवन नहीं चलता है, घर नहीं चलता है और देश भी नहीं चलता है। सर, इतना गुस्सा क्यों है आप? जी मैम, हमें जेके बैंक ने बहुत बड़ा धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखा दिया। हम 10 साल से पीस रहे इसी मुसीबत में, हमारे बच्चे भी। अगर मैं अपनी मिसाल दे दूं कि मेरी भी बीमार है और मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है और मेरे बच्चों के लिए फीस भी नहीं है, और जेके बैंक ने हमें तबाह कर डाला। उस वक्त हमें रिक्रूट किया, प्रॉपर चैनल से हमें रिक्रूट किया। पहले उनने हमें वो वादा किया USB देंगे, अल्ट्रासाउंड ब्रांच में आपको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन वो भी हमारे साथ धोखा था। अब 10 साल हो गए, 10 साल हम वेट कर रहे हैं, आज कल परसों हो गया, 10 साल हो गए। अब हम लास्ट लम्बे पे आ गए, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। या हम जेके बैंक के पास दो ऑप्शन है, या हमें मार डाले नहीं तो हमें एडजस्ट करेंगे। इनसे बात करेंगे सर, यहाँ पर गवर्नर हाउस को भी कहीं ना कहीं वहाँ पर कूच करने की कोशिश की थी, उसका क्या हुआ? मैम, वही तो रोना है हमारा। ये पिछले 53 दिन से हमारा प्रदर्शन जारी है, कई जगहों पे हमने प्रदर्शन किया, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हम गवर्नर ऑफिस भी चले गए, उसके बाद हम जेके बैंक के जोनल ऑफिस भी गए, और आज हम यहाँ पे जो इंदिरा चौक है यहाँ पे हम अपना प्रोटेस्ट जारी रख रहे हैं। लेकिन रोना यही है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। अब हम डिटेल में सब कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि सबको पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी जो मांगे हैं वो सबको पता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो जेके बैंक खिदमत सेंटर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट साहब है मिस्टर तहसीन हुसैन साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो उनको ओबे करने के लिए कुछ अंटवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने ये फैसला लिया है कि अब उनकी भी नहीं मानेंगे। हमें पुलिस तो क्या, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। सर, एक, हमें एक, रोक एक सवाल है, एक सवाल है, यहाँ पर एक बैनर देखा है मैंने, वहाँ पर लिखा गया है कि बैकडोर एंट्री चाहिए या प्रोफेशनल चाहिए, मर्जी आपकी है, चॉइस इज योर्स, ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि बैकडोर एंट्रीज जो है वो तो मतलब ऐसी एंट्रीज भी हैं जो हम जो प्रोफेशनल्स नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उन्होंने मैट्रिकुलेट जो भी मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जॉब पॉलिसी बनाई है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस पिछले 9 साल से है। हम बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही एक्सपीरियंसड लोग हैं, सारे IT प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन हम लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर हम एक्सपीरियंसड भी हैं, हम बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं मौका दिया जा रहा? चलिए, सीधे तौर पर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपको युवाओं को बचाना है, तभी आपका देश बचेगा, और यहाँ पर सीधे तौर पर काफी युवाओं का भविष्य जो है वो दांव पर लगा है। काफी युवा जो है यहाँ पर गुस्से में है, और बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी मांग है कि नौकरियाँ चाहिए, और आप जानते हैं नौकरी के बिना घर का गुजारा कैसे होगा। और